फीफा वर्ल्ड कप में सुर्खियां बटोरने वाली मिस्ट्री गर्ल इवाना ने साझा किया एक और वीडियो। दोहा की सड़कों पर इवाना को प्रशंसकों ने घेरा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज विपक्षी दलों की बुलाई बैठक। चीन के मसले पर होगी चर्चा। सदन में इस मसले पर सरकार से जवाब देने की मांग। उमर अब्दुल्ला का बयान, चीन पहले से ही लद्दाख के भीतर डटा है, वो हमारी जमीन से बाहर नहीं निकला, अब वो अरुणाचल में भिड़ा। उमर अब्दुल्ला का मोदी सरकार पर वार, कहा दुर्भाग्य से पड़ोसी देशों के साथ हमारी कूटनीति कमजोर पड़ी, हम अपने पड़ोसियों के साथ वाजपेयी जी की नीतियों का पालन नहीं कर रहे। संसद में चीन का मुद्दा उठने पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कांग्रेस पर पलटवार, कहा संसद में राजीव गांधी फाउंडेशन की विदेशी फंडिंग पर कांग्रेस को देना था जवाब, इसीलिए छेड़ा चीन अरुणाचल का राग। पी चिदम्बरम का बयान, स्थिति है गंभीर, चीनी तय कर रहे घुसपैठ की तारीख। तवांग सेक्टर में भारतीय और चीनी सेना की झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में दिया बयान, कहा हमारी सेना ने बहादुरी से दिया जवाब। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई। भारतीय सैनिकों पर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, हमारे कोई भी सैनिक नहीं हुए शहीद, ना ही गंभीर रूप से हुए घायल। कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। लोकसभा में राजनाथ सिंह के बयान के दौरान जमकर हंगामा, ओवैसी ने पूछा चीन हमारी जमीन में क्यों घुसाया, इस पर जवाब दे सरकार। तवांग की घटना को लेकर चीन पर बरसे अधीर रंजन चौधरी, लोकसभा में कहा चीन हमारी जमीन पर लगातार कर रहा है घुसपैठ। राज्यसभा में भी भारत चीन विवाद को लेकर हंगामा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया था स्थगन प्रस्ताव। तवांग झड़प पर अमित शाह का पलटवार, कहा चीन पर कांग्रेस का दोहरा रवैया, चीनी दूतावास से राजीव गांधी फाउंडेशन को मिला था चंदा। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है। भारतीय सेना की दिलेरी पर हरियाणा के गृह मंत्री ने पीएम मोदी की जमकर की तारीफ, कहा ये शेरदिल पीएम नरेंद्र मोदी का 2022 का भारत है, चीन अपनी हरकतों से बाज आ जाए। चीनी सेना की हिमाकत के खिलाफ जम्मू में डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन, कहा भारत अमेरिका के संयुक्त अभ्यास से डरा ड्रैगन। तवांग पर 22 घंटे बाद आया चीनी सेना का पहला बयान, कहा बॉर्डर पर स्थिति सामान्य, सीमा पर शांति बनाए रखने की अपील की। तवांग में पिटे चीन की आज तक के पास एक्सक्लूसिव जानकारी, खुफिया रिपोर्ट पर तैयार थी सेना, चीनी सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ा। आज तक को शीर्ष रक्षा सूत्रों से मिली खबर, यांगसे में भारतीय सेना की 3 टुकड़ियों ने विफल किया चीनी सेना का इरादा। यांगसे में जम्मू कश्मीर राइफल्स, जाट रेजिमेंट और सिख लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों ने चीनी सैनिकों का डट कर किया मुकाबला, रोकी घुसपैठ। रक्षा सूत्रों के मुताबिक यांगसे में चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों के खिलाफ अपनी बर्बर रणनीति अपनाने का इरादा लेकर कांटेदार तार, लाठी और अन्य उपकरणों से लैस होकर आए थे। भारतीय सैनिकों को मिल चुकी थी चीनी जवानों के इरादे की खबर, चीनियों ने घुसपैठ के लिए जो दिन चुना उस दिन इलाके में मौजूद थी भारतीय सेना की 2 यूनिट, एक यूनिट वहां से निकल रही थी और नई यूनिट जुड़ रही थी। चीन ने तवांग में झड़प का ठीकरा भारत पर फोड़ने की कोशिश की, पीएलए ने कहा भारतीय सैनिकों ने पार किया विवादित बॉर्डर। चीन ने सीमावर्ती इलाकों में शांति की अपील की, साथ ही दी गीदड़ भभकी, कहा भारत अपने सैनिकों पर रखे नियंत्रण। हिंद महासागर क्षेत्र से बाहर निकला चीन का जहाज यांगवांग 5 कुछ दिनों पहले ही आया था। चीनी जहाज यांगवांग 5 का इस्तेमाल रिसर्च वर्क के लिए करता है, जहाज पर भारतीय नौसेना की थी नजर। असम के तेजपुर, छबुआ, जोरहाट, हाशिमारा में हवाई अड्डों को सक्रिय किए जाने की संभावना, हाशिमारा एयरबेस है राफेल लड़ाकू विमानों का ठिकाना। वायुसेना की दलील, युद्धाभ्यास पूर्व नियोजित था, चीन से मौजूदा विवाद का इससे कोई नाता नहीं। दिल्ली के व्यापारी आज कनॉट प्लेस में चीन के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन, चीन से होने वाले आयात का करेंगे विरोध।
आज सुबह 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक, मीटिंग में गुजरात में मिली रिकॉर्ड जीत के लिए पीएम मोदी का होगा अभिनंदन। आज अहमदाबाद जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, शाम 5 बजे प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी समारोह का करेंगे उद्घाटन। अहमदाबाद में 600 एकड़ में निर्मित प्रमुख स्वामी महाराज नगरी में 30 फीट ऊंची प्रतिमा, बाल नगरी दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की प्रतिकृति, ग्लो गार्डन, लेजर और साउंड शो जैसे कई आकर्षण बिंदु। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद का मसला सुलझाएंगे गृहमंत्री अमित शाह, आज दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की शाह से मुलाकात। महाराष्ट्र के पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव, 41 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, एटीएस में भी हुआ फेरबदल। मुंबई के 4 ज्वाइंट कमिश्नर का तबादला, नवी मुंबई, पुणे, अमरावती के ज्वाइंट कमिश्नर बदले गए। माना में होगी उत्तराखंड कैबिनेट की अगली बैठक, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को दी जानकारी। दिल्ली में आज G20 समिट को लेकर उपराज्यपाल ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक, दिल्ली सरकार के मंत्री भी बैठक में होंगे शामिल। G20 समिट पर LG की बुलाई बैठक में शामिल होंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। हैदराबाद में कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार सुनील कानूगोलू के दफ्तर में छापा, पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। साइबर क्राइम से जुड़ा मामला, सोशल मीडिया में सीएम KCR पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद एक्शन में आई हैदराबाद साइबर पुलिस। कांग्रेस रणनीतिकार की गिरफ्तारी पर बिफरी कांग्रेस पार्टी, वेणुगोपाल ने कहा विरोध दबाने की हो रही कोशिश, जारी रहेगी जंग। कांग्रेस नेता माणिक टैगोर ने कहा गलत तरीके से हुई गिरफ्तारी, ना कोई नोटिस दिया गया और ना ही कोई सर्च वारंट। लखनऊ में क्रिसमस और न्यू ईयर के मद्देनजर अभी से तैयारियां, सुरक्षा को लेकर धारा 144 की गई लागू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक तरक्की पर उठाए जा रहे सवालों को लेकर विपक्ष पर किया पलटवार, कहा भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, कहा 2025 में महागठबंधन को लीड करेंगे तेजस्वी यादव।